देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई हिस्सों में अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि बारिश की तीव्रता में कमी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में आज यानी शुक्रवार से बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में आज फिर बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिंगोली की हालत बेहद खराब है। राज्य में NDRF की 13 टीमें तैनात हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। नांदेड़, गढ़चिरौली, अकोला जैसे शहरों में सैलाब जैसे हालात हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों में तेज बारिश हो रही है। मुलुगु जिले में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। सड़कों पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पूर्वी भारत के हिस्सों में 29 जुलाई से बारिश की तीव्रता में बढ़त दर्ज की जाएगी। वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय के हिस्सों से बारिश की तीव्रता में कमी दर्ज की जाएगी।